एवरीवन, एपिसोड 27 से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीडियो सीरीज ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स मेंस एग्जाम। एपिसोड 27 से जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, ये इस वीडियो सीरीज का लास्ट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम तीन एपिसोड प्रेजेंट करेंगे, E27 जो आज बात करूंगा मैं, दूसरा है E28 और E29। इसके बाद हमारा ये E29 के बाद इस वीडियो सीरीज का एंड हो जाएगा। सो जिन्होंने अभी तक के सारे वीडियो कवर नहीं किए हैं, वो स्टूडेंट अपने वीडियोज यहाँ पे देख सकते हैं। 26 तक के वीडियोज हम यहाँ पे रिलीज कर चुके हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग में टॉपिक 1 आज डिस्कस करूंगा, एपिसोड 28 में टॉपिक 2 एंड एपिसोड 29 में टॉपिक 3 डिस्कस करूंगा। टॉपिक 1 के अंदर मैं कंटेंट को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपके सामने। इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवेज, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ कैम्बर एंड साइड डिस्टेंसेज, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, सुपर एलिवेशन, सेटबैक डिस्टेंस एंड वर्टिकल कर्व, मतलब पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन कवर हो गया इसके अंदर और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। ये जो टॉपिक है टॉपिक 1 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली हाईवे का। ज्योमेट्रिक डिजाइन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार साइड डिस्टेंस के ऊपर, और छोटे मोटे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर आरपीएससी के लास्ट 2 सेशंस के अंदर। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए अगेन 2, 5 एंड 20 तीनों कैटेगरी के अंदर जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस T01 टॉपिक से बनते हैं वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और आप डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए और करके जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सो सबसे पहले हम मूव करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्ट्रिक्ट रोड वेयर द रेनफॉल इज लाइट, बिटुमिनस रोड ऑफ 4.8 मीटर वाइड, ये W दे दी, विड्थ ऑफ रोड दे दी, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ क्राउन विद रेस्पेक्ट टू द एजेस, ठीक है ना। ये एक्चुअली जब दिया नहीं होता तो हमें मान के चल लेते हैं कि जो क्राउन है वो स्ट्रेट है, ठीक है ना। स्ट्रेट की वजह से ये जो हाइट होगी ये हमको फाइंड आउट करनी है। स्लोप दे रखा है आपको 1 in n, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है टोटल W, ठीक, तो ये W/2 होगी। तो सिंपली यू कैन से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो tan थीटा इक्वल टू हम ये ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन W/2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/n, ठीक है। सो इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि n हमको स्लोप नहीं दिया हुआ है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको IRC की टेबल फॉलो करनी पड़ेगी जो अलग अलग तरह की रोड कंडीशन के अंदर विद डिफरेंट डिफरेंट स्लोप के डिफरेंट डिफरेंट रेनफॉल की कंडीशन के साथ दी हुई है। जैसे यहाँ पे लाइट रेनफॉल है, मॉडरेट के लिए अलग है, हैवी के लिए अलग है, बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन अलग है, अर्थ कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, ठीक है। सो उस टेबल से हम यहाँ पे ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ये स्लोप जो यहाँ पे मैंने दिखाया है 1.7%, ये उस टेबल के अकॉर्डिंग डेटा है, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे किया है एच अपॉन W/2, W कितना दे रखा है 4.8, तो एच अपॉन 4.8/2 कंपेयर कर रहे हैं हम 1/n से, 1/n यहाँ पे दे रखा है 1.7% या यू कैन से 1.7/100। तो यहाँ पे कंपेयर किया तो एच की वैल्यू आ गई 0.041 मीटर और 41 mm। तो इस तरह का एक छोटा क्वेश्चन कैम्बर में बन सकता है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो स्ट्रेट कैम्बर ही हम अज्यूम करके चलेंगे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर स्ट्रेट कैम्बर ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, इन व्हाट कंडीशंस ट्रैफिक शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड। बेसिकली ट्रैफिक शोल्डर क्या होता है, दीज आर इमरजेंसी लेन, ठीक है, इमरजेंसी लेन। अगर आपका व्हीकल खराब हो गया, पंक्चर हो गया टायर या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम एक साइड में हाईवे की एक लेन होती है दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी लेन, वहां पे व्हीकल को खड़ा करके हम उसको उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शोल्डर आर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज एंड इज इंटेंडेड फॉर अकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल्स, सर्व एज इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल्स, ठीक है ना, इमरजेंसी लेन की तरह हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is meant by positive and negative obligatory points? Explain it by giving some example. ये introduction वाले part में से question उठाया हुआ है। Obligatory points के बारे में आपको बताना है। Positive और negative दो तरह के होते हैं। Positive points वो होते हैं through which highway alignment is to pass, ठीक है, जिनकी जिनके अंदर से highway का alignment pass होना है, like bridge, site, intermediate town, etc. लेकिन जैसे मंदिर हो गया या जैसे ये लिखा है religious places हो गए, ठीक है ना, कॉस्टली स्ट्रक्चर हो गए, जहां से बेसिकली हाईवे की साइट यानी रोड पास नहीं होनी है, दैट पॉइंट आर कॉल्ड नेगेटिव पॉइंट्स। जहां से रोड पास होनी है जो इस तरह के प्लेसेज है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। और ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर
एंड लेंथ ऑफ कर्व दे रखा है यहाँ पे एल 180 मीटर ऑन नेशनल हाईवे। कंप्यूट दी सेटबैक डिस्टेंस पूछा है, जिसको हम नॉर्मली एम से डिनोट करते हैं, रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व सो एज टू प्रोवाइड फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SSD दिया हुआ आपको 80 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द इनर लेन इज 1.8 मीटर। ठीक है, जो सेटबैक डिस्टेंस है यहाँ पे दो कंडीशन होती है, जबकि जो L है कर्व की लेंथ है वो लेस देन SSD हो, दूसरी कंडीशन है जो कर्व की लेंथ है वो ग्रेटर देन SSD हो। तो कर्व की लेंथ यहाँ पे 180 मीटर दे रखा है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको 80 मीटर दे रखा है, तो L इज ग्रेटर देन SSD। इन दैट केस जो सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा, R आपको पता है स्मॉल d की वैल्यू 1.8 मीटर दे रखा है, अल्फा बाई 2 जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 एस, ये वाला फॉर्मूला 180 एस 2 पाई R माइनस d। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, 5.76 डिग्री आर की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमारे पास सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। देखिए सेटबैक के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो इसकी या तो डेफिनेशन के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस तरह का एग्जाम में एक्सपेक्टेड है 100%। ओके, सो आपको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है ना, हम नॉर्मली क्या लिखते हैं जब हम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करते हैं, तो सुपर एलिवेशन प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है ना, ये वी यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको IRC ने दिया है। ठीक, यहाँ पे ई सुपर एलिवेशन है, एफ बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है लैटरल फ्रिक्शन कोफिशियंट, जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व में हम 0.15 लेके चलते हैं, और ई की मैक्सिमम वैल्यू कितने लेके चलते हैं 0.07। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो रेडियस आर शो कर रहा है दैट रेडियस इज व्हाट इट इज ए मिनिमम रेडियस, तो रूलिंग रेडियस क्या होगा, मिनिमम डिजाइन रेडियस। अब ये रेडियस मिनिमम कब होगी, जबकि ई प्लस एफ वाला जो फैक्टर है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, सो इट इज ए रेडियस विच इज ऑप्टेंड बाई अज्यूमिंग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आर इक्वल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई प्लस एफ, तो ई प्लस एफ अगर मैक्सिमम होगा तो आर मिनिमम होगी, सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आइडियली द रेडियस ऑफ कर्व शुड बी हायर देन द रोलिंग रेडियस। रोलिंग रेडियस मतलब वो डिजाइन रेडियस है जिससे जिस जो भी कर्व हम डिजाइन कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, सारे कर्व इस रेडियस से ज्यादा के होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं रोलिंग मिनिमम रेडियस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द मेथड्स टू अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। देखिए जैसे ये रोड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से हम सुपर एलिवेशन को अटेंड कर सकते हैं, ये एक रोड सरफेस है, मैं इस सरफेस को ये इनर एजेस के रेस्पेक्ट में ऐसे मूव कर देता हूँ, दैट एंगल इज व्हाट इट इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन एंगल, और ये हाइट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेटेड हाइट बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, मैं इसको सेंटर के रेस्पेक्ट में इस तरह से रोड को मूव कर देता हूँ, तो आधा सुपर एलिवेशन तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है और आधा सुपर एलिवेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। सो दोनों कंडीशन के अपने ड्रॉबैक और प्लस पॉइंट है, मैं यहाँ पे उन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि कौन कौन से मेथड है। तो एक मेथड तो हो गया विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, एक मेथड हो गया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, जो क्राउन है उसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मेथड है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन बाय शिफ्टिंग ऑफ क्राउन और रोटेटिंग द आउटर एज अबाउट क्राउन। ठीक है ना, और दूसरा है रोटेशन अबाउट इनर एज और अबाउट द सेंटर लाइन, ये दो मेथड है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं इन दोनों मेथड को, चाहे तो अगर टाइम है तो डायग्राम बनाए, ये बाकी दो नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ टेलफोर्ड आ गया। ठीक है, जैसे टेलफोर्ड हो गया, मैकेडम हो गया, रोमन कंस्ट्रक्शन, इनके बारे में ब्रीफली पूछा जा सकता है। ठीक है, एक जैकर कमिटी की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे उसका क्वेश्चन नहीं लिया है आपके लिए, लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसको भी जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या क्या है। ओके, सो ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड, सबसे ओल्डेस्ट हो गया रोमन के बाद। ठीक है, लेवल सबग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर, वियरिंग कोर्स ऑफ 40 mm विद क्रॉस स्लोप ऑफ 1:45, ये आपको क्रैम्बर दे दिया 1:45 का यहाँ पे। फाउंडेशन स्टोन विद थिकनेस फ्रॉम 170 mm टू 220 mm, ये तीनों क्या है, सैलियंट फीचर है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के, तो आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें लिखने के लिए, क्योंकि दो नंबर में कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉपर वे में लिख के आना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं आ सकते, सिर्फ इतना ही तुक्का नहीं मार सकते कि ये ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन है, रोमन रोड के बाद आया, इस तरह की चीजें नहीं लिख सकते, कुछ डेटा भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेट कंपनसेशन फॉर ए कर्व ऑफ रेडियस 140 मीटर, ठीक है ना, ये आपको जीसी निकालना है, ग्रेट कंपनसेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ग्रेट कंपनसेशन होता है 30 प्लस आर बाई आर और 75 बाई आर, जिसमें इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड ग्रेट कंपनसेशन। तो यहाँ पे आर 140 दे रखा है आपको, ये रखा हमने 1.2% आया, यहाँ पे 0.53% आया, तो इन दोनों का मिनिमम क्या हो गया, जीसी यानी 0.53% हो गया। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड ग्रेट कंपनसेशन। अगर आपको यहाँ पे एक ग्रेड दिया होता तो हम यहाँ पे कंपनसेटेड ग्रेड लिखा सकते थे। सपोज आपको 5% का ग्रेड दिया होता तो हम कहते हैं 5% माइनस 0.53% दैट इज इक्वल टू 4.47%, इट इज कॉल्ड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो जो आपको ग्रेड दे रखा है दैट माइनस द ग्रेड कंपनसेशन, ओके। और क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रेड कंपनसेशन हम, क्योंकि ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसके जिसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको ग्रेड को कंपनसेट कर रहे हैं, अदरवाइज व्हीकल के ऊपर उसका ट्रैक्टिव एफर्ट व्हीकल को ज्यादा करना पड़ेगा, उसको इंजन के ऊपर ज्यादा लोड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंडीशन द लिमिटिंग ग्रेडियंट इज नॉर्मली बी अडॉप्टेड। देखिए ये इस तरीके का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रोड में ये फिलिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक, सॉरी ये कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट इस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं हम, लाइक दिस डायग्राम, ये ग्रेड है इसका, अलाइनमेंट ऑफ कंट्रोल वगैरह यहाँ पे शो किया हुआ है। लिमिटिंग ग्रेडियंट इज अडॉप्टेड ओनली द रूलिंग ग्रेडियंट व्हेन द रूलिंग ग्रेडियंट रिजल्ट इन एनॉर्मस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर रूलिंग ग्रेडियंट की वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि पता लग रहा है कि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, उसमें फिलिंग या कटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम लिमिटिंग ग्रेडियंट को यूज करते हैं। नॉर्मली ऑन रोलिंग एंड हिली टेरेन इट मे बी अडॉप्टेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। कहाँ पे यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, हिली टेरेन के अंदर या फिर रोलिंग टेरेन के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन बाय परसेप्शन टाइम, ठीक है। पी आई वी जो थ्योरी होती है इसमें P4 होता है परसेप्शन, I4 इंटेलेक्शन, E4 इमोशन और V4 वॉल्यूशन। परसेप्शन टाइम क्या होता है, किसी भी सपोज हम व्हीकल रन कर रहे हैं और सामने कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया है, पेड़ आ गया है या यू कैन से एक स्टोन का पीस आ गया है बड़ा, या कोई कार रुकी हुई है, उसको देख के हमारे क्या रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड परसेप्शन टाइम, ठीक है ना। और PIEV टोटल को मिला के IRC क्या बोलता है, 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो परसेप्शन टाइम उसका एक पार्ट है 2.5 सेकेंड का, कि हमको किस तरह के परसेप्शन रिसीव हो रहे हैं जो हमारे दिमाग को सेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसेशंस रिसीव थ्रू आईज ईयर्स एंड बॉडी टू द ब्रेन बाय द नर्वस सिस्टम, कि हमको उसको सेंस करके मतलब किस तरह का जो इंटेलेक्शन है बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमको किस तरह का सेंस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या हमको डर लग रहा है कि ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सीडेंट हो सकता है, वो तो होगा इंटेलेक्शन, ठीक है ना। इमोशन हम जिस तरह से हम बेसिकली इमोशन अपने प्रोड्यूस करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि गलत खड़ा कर दिया व्हीकल, लाइक दिस। और वॉल्यूशन क्या होता है, फाइनली एक्शन जो हम ले रहे दैट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूशन टाइम। परसेप्शन जस्ट उसको परसीव करना ऑब्जेक्ट को, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। उसके बाद का बाकी काम है कि इंटेलेक्शन क्या है, इमोशन हमको कैसे आ रहे हैं, वॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट परसेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD निकालना है फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 65 km/h। नॉर्मली जहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होते हैं उसको कैपिटल वी से शो करते हैं, मीटर पर सेकेंड के लिए स्मॉल वी यूज करते हैं। टेक कोफिशियंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटरल फ्रिक्शन, ये हमको दे दिया है। देखिए यहाँ पे जब SSD पूछते हैं तो हम लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन को यूज करेंगे, यानी हम 0.40 को यूज करेंगे। IRC क्या बोलता है, F की वैल्यू 0.35 से 0.4 होती है। अगर हॉरिजॉन्टल कर्व के डिजाइन की बात करेंगे तो 0.15 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दी हुई है, यहाँ पे यूज नहीं होगी। टेक रिएक्शन टाइम एज 2.4 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास स्मॉल टी, जो PIEV की बात कर रहा था ना मैं, वो है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप 2.5 लेके चलते, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, इट इज लेस देन टू 2.5, देन यू हैव टू टेक ओनली 2.4 सेकंड। सो SSD निकालना है, SSD का फॉर्मूला हमको ही पता है, दिस इज व्हाट इट इज, हम क्या बोलते हैं SSD इक्वल टू व्हाट, इट इज लैग डिस्टेंस पर प्लस ब्रेक डिस्टेंस। तो ये ब्रेक डिस्टेंस होगी, लैग डिस्टेंस होगी। तो 0.2V हमको पता है, T 2.4 है, ये सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 84.95, दिस इज मीटर नॉट किलोमीटर, दिस इज मीटर, ठीक है ना। सो हमारे पास 85 मान लेते हैं, रफली 85 मीटर हमारे पास SSD आ गया, ओके।
सो जितने भी अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस क्वेश्चन आर ऑफ इट इज 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें दो चीजें पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर एलिवेशन, पहले तो वो बताओ सुपर एलिवेशन क्या होता है, और फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है डिजाइन इस, पहले हम उसका देखते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड एट हॉरिजॉन्टल कर्व टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व में इस तरीके का हॉरिजॉन्टल कर्व है, जब व्हीकल मूव करता है तो जो आउटर एजेस है उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, सो दैट कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ व्हीकल को खींच रहा है वो बैलेंस हो सके। ठीक है ना, उतना जितनी हाइट से हम उसको रेज कर रहे हैं दैट हाइट इज व्हाट इट इज सुपर एलिवेशन। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर 200 मीटर, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन नीडेड टू मेंटेन दिस स्पीड, ई निकालना है हमको। तो जब हमको कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती और डिजाइन की बात करते हैं तो हम नॉर्मली सुपर एलिवेशन को वी स्क्वायर अपॉन 225 आर से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वी है। तो लेट देयर इज अ मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, हम मान के चलते हैं इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, वी रखा आर रखा, यहाँ पे सुपर एलिवेशन आया 0.142। बट सिंस की जो फ्लैट टेरेन होता है उसके अंदर सुपर एलिवेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7% होती है जो IRC बोलता है, यानी 0.07। तो इस केस के अंदर हमको सुपर एलिवेशन की कितनी वैल्यू आई है 0.142, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम सुपर एलिवेशन कितना बोलेंगे 0.07। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इफ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 0.07 इज नॉट बी एक्सीडेड कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल कर्व टेक सेफ लिमिट ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.15। तो हमको पता है E+F इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। ठीक है, E यहाँ पे 0.07, F 0.15, अलाउएबल स्पीड जो रहेगी VAL, R आपको दे रखा 200 मीटर तो यहाँ से हम अलाउएबल स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, E 0.07, ये 0.15 ये हमने रखा, यहाँ पे अलाउएबल स्पीड निकाल ली, दैट इज द आंसर 74.75 kmph। ठीक है ना, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, डिजाइन क्वेश्चन को हमको डील करना है, सुपर एलिवेशन को डिफाइन करना है, देन उसके पर बेसिस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क में, द इंडियन रोड कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन 1934, वॉट वॉज दियर ऑब्जेक्टिव। देखिए इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, सो यू हैव टू प्रिपेयर, है ना, IRC के रिकमेंडेशन क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या थे वो हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड एनकरेज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रोड बिल्डिंग। ठीक है ना, टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन और मैटर्स अफेक्टिंग रोड, टू प्रमोट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस, इसी के लिए IRC बनाए, पहले BIS था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, टू सजेस्ट लेजिस्लेशन फॉर द डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रोड, एंड लास्ट है टू एडवाइज रिगार्डिंग एजुकेशन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च कनेक्टेड विद रोड। इसी के बाद CRRI जो 1950 में फाउंडेड हुआ था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के बाद हुआ था IRC के रिकमेंडेशन के बाद या उसके ऑब्जेक्टिव के बाद। ठीक है ना, इसका एक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि रोड डेवलपमेंट के लिए फंड जुटाना, बट वो बाद में ऑब्जेक्टिव को CRRI के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि IRC तो बेसिकली कोडल प्रोविजन प्रोवाइड कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन था, तो CRRI में बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया कि रोड रिसर्च फंड होता है एक्चुअली, तो वो जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वही प्रोवाइड कराएगा। ओके, नेक्स्ट है, उसकी सब्सिडियरी बॉडी बना दी उसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मिनिमम SSD रिक्वायर्ड टू अवॉइड हेड ऑन कॉलिजन ऑफ 2 व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट 80 kmph एंड 60 kmph विद द असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% ईच। मतलब एक व्हीकल यहाँ से आ रहा है और एक व्हीकल यहाँ से जा रहा है, दोनों ही 2% के असेंडिंग ग्रेडियंट पर है, बट एक की स्पीड 80 की है, एक की स्पीड 60 की है। ठीक है ना, अज्यूम रिएक्शन टाइम यहाँ पे T 2.5 से दिख दिया, टेक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको ये स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, ब्रेक एफिशिएंसी दे रखी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लैटरल, सॉरी हाँ,
लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन ऑफ कोफिशियंट आ जाएगा, यानी 0.65 मल्टीप्लाई बाई 0.50, वॉट एवर जो वैल्यू आएगी वो लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशियंट की आ जाएगी। तो इसके इस केस के अंदर जो टोटल एसएसडी होगी वो इन दोनों का समेशन होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। नाउ देखिए, रिक्वायर्ड एसएसडी इक्वल टू एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। व्हीकल 1 की बात करें, एसएसडी का फॉर्मूला ये हमारे पास पता है, सिंस कि यहां ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस 0.01 हम लिखते हैं यहां पे फॉर्मूले में, सिंस कि असेंडिंग ग्रेडियंट रहे ओनली प्लस साइन लिया हमने, ठीक है। तो एन आपको दे रखा है 2 दे रखा है यहां पे। सिमिलर वे में एसएसडी 2 का फॉर्मूला लिख दिया, V1 80, V2 60 दे रखा है। F देखिए मैंने जैसे बोला था 0.65 मल्टीप्लाई 0.5 किया, 0.325 आ गया। N 2% दे रखा है, हमको 2 वैल्यू होगी, T 2.5 सेकंड। सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में रख देते हैं। सो SSD 1 आ गया हमारे पास 128.63 मीटर यानी 128.63, और SSD 2 आ जाएगा हमारे पास 82.78 मीटर। सो सिंस कि दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, टोटल एसएसडी जो हो जाएगा इन दोनों का समेशन हो जाएगा। जोड़ दिया दोनों को तो टोटल एसएसडी आ गया हमारे पास 211.41 मीटर। ओके, सो इस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा एसएसडी के अंदर से, जो अभी जैसा हमने अभी डील किया। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा है 20 मार्क्स क्वेश्चन का, उसकी तरफ मूव करते हैं। 2 और 5 कैटेगरी के क्वेश्चन हमने देख लिए कि इस टॉपिक 01 में से कैसे कैसे बनेंगे, अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 20 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ओवरटेकिंग। देखिए हमने पहले सेक्शन में जो पढ़ा था 5 नंबर में, वो इस टॉपिक साइड डिस्टेंस की बात कर रहा था, अब यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन ओवरटेकिंग जोन्स एंड स्टेट द रिकमेंडेशन ऑफ IRC अबाउट ओवरटेकिंग जोन, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि टू वे ट्रैफिक है, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स आर 60 एंड 40, यानी 60 वाला पीछे चल रहा है, 40 वाला आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो 40 को हम क्या बोलेंगे, ओवरटेकन व्हीकल बोलेंगे, और 60 को ओवरटेकिंग व्हीकल, जो ओवरटेक कर रहा है दैट इज कॉल्ड ओवरटेकिंग व्हीकल। इफ द एवरेज एक्सीलरेशन इज 0.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो एक तो हमको OSD निकालना है इसमें, ठीक है, टू वे ट्रैफिक है रिमेंबर। नाउ डिजाइन शुड फॉलो द IRC रिकमेंडेशन, यानी जो भी हमको एजम्पशन अगर लेने हैं तो IRC के अकॉर्डिंग लेने हैं, या फॉर्मूले यूज करने हैं तो IRC के अकॉर्डिंग करने हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, वो ए पार्ट से ही अटैच है। देखिए ओवरटेकिंग जोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एक रोड चल रही है हमारी सिंपली, ठीक है ना। रोड पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे, यानी कुछ कुछ डिस्टेंस पे कुछ सेक्शन जो होते हैं उनकी विड्थ को हम ज्यादा रखते हैं, ठीक है। ज्यादा रखने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब व्हीकल यहाँ से मूव करेगा, तो अगर किसी जैसे ये इसकी सेंटर लाइन होगी, एक व्हीकल यहाँ मूव कर रहा है तो इसको अगर ओवरटेक करना है, अगर रोड सकड़ी होगी या नॉर्मल विड्थ पे चल रही है तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा। नाउ यहाँ पे विड्थ ज्यादा मिल गई तो यहाँ पे ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग चीज है कि इंडियन सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है, वो एक अलग बात है, हम कहीं से भी ओवरटेक कर लेते हैं। बट ओवरटेकिंग वहां करनी चाहिए जहां पे बेसिकली ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करा है। दिस सेक्शन जहां पे विड्थ ज्यादा है हाईवे की, दैट सेक्शन आर कॉल्ड ओवरटेकिंग जोन। नॉर्मली IRC क्या बोलता है कि जो भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उसकी मिनी ओवरटेकिंग जोन की जो लेंथ है, ये लेंथ है मान लो दिस इक्वल टू 3 टाइम ऑफ OSD, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2-5 टाइम ऑफ OSD, ये ओवरटेकिंग जोन्स होते हैं, ठीक है। ओवरटेकिंग जोन्स आर प्रोवाइडेड व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हाईवे, ठीक है ना। क्योंकि या तो ये है कि जो ओवरटेकिंग सेक्शन है पूरे हाईवे के में आप प्रोवाइड करा दो, तो आपको अलग से प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। बट नॉर्मली की रोड का या लैंड का कंस्ट्रेंट होता है, हमको ज्यादा विड्थ अवेलेबल नहीं होती, तो हम ओवरटेकिंग जोन बीच बीच में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दीज आर दी जोन्स डेडिकेटेड फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन मार्क ऑन रोड्स अकॉर्डिंग टू IRC, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 5 टाइम्स ऑफ OSD एंड द मिनिमम इज 3 टाइम ऑफ OSD, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया ऊपर, ठीक है। तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया, दूसरे में हमको 3 वैल्यूज दे रखी है और OSD निकालना है। ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड 60, जिसका ओवरटेकन हो रहा है 40, और A की वैल्यू 0.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बी पार्ट है, देखिए ये दो रोड है, मतलब सॉरी एक रोड है, उसमें एक रोड के ऊपर टू वे ट्रैफिक हो रहा है, तो एक व्हीकल जैसे ये चल रहा है, एक व्हीकल ये है,
और यहां से एक दूसरा व्हीकल भी आ रहा है क्योंकि टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, ये व्हीकल इसको ओवरटेक करना चाह रहा है, इसकी 80 km/h स्पीड है, इसकी 40 है, ठीक है, और सिंस ये इधर से आ रहा है तो इसकी भी हम जो डिजाइन स्पीड मानते हैं वो 40 मान के चलते हैं कैलकुलेशन। तो हमसे ये पूछा गया है इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर ये डिस्टेंस जो OSD है वो कितनी होगी। इसका एक फॉर्मूला है D1 + D2 + D3, अगर ये टू वे ट्रैफिक नहीं होता तो D3 जो है वो 0 हो जाता, ठीक है, बट टू वे ट्रैफिक दिया हुआ है तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। IRC के अकॉर्डिंग D1 D2 D3 की वैल्यू VB इंटू टी बी प्लस 2S V इंटू टी। यहाँ पे अब डेटा क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। VB हमको दे रखा है 60 km/h, सिंस की ये जितना स्मॉल भी दिखा रखा है तो ये सारी वैल्यूज के मीटर पर सेकेंड में। V 40 दे रखा है हमको, जो ये वाली स्पीड है ये 40 है, ये VB दे रखा है, ठीक है ना, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए मीटर जो भी KMPH दे रखा है, 40 दे रखा है, इसको 3.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ए हमको ये दे रखा है। अब यहाँ पे एस अननोन है, बी अननोन है, और कैपिटल टी अननोन है, ठीक है। एस के लिए IRC सजेस्ट करता है फॉर्मूला है 0.7 VB + 6, तो ये हमने सारी वैल्यू रखी, हमारा एस आ गया। और टी क्या होता है, कैपिटल टी वो एक्सिलरेशन से रिलेटेड है, दैट इज इक्वल टू √4S/A। एस हमारे पास है, एक की वैल्यू 0.8 दे रखा है, सारी चीज रख दी, हमारे पास टी आ गया कैपिटल। एंड लास्ट जो पैरामीटर है वो है बी, बी होता है VB इंटू कैपिटल टी, तो VB तो हमारे पास 16.67 है और कैपिटल टी हमने यहाँ निकाल लिया 8.97, तो ये हमारे पास बी आ गया। ये सारी वैल्यूज को उठा के हम ये इक्वेशन 1, 2 और 3 में रख देते हैं। अच्छा स्मॉल टी भी है, स्मॉल टी रिएक्शन टाइम नहीं दे रखा तो हम एज्यूम कर लेंगे IRC के अकॉर्डिंग इट इज 2.5 सेकेंड। कैपिटल टी रिलेटेड है एक्सिलरेशन से, स्मॉल टी रिलेटेड है अपना परसेप्शन टाइम, मतलब PIV टाइम, ठीक है ना। सो इक्वेशन 1, 2, 3 को जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो D1, D2, D3 की तीन वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ओके तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 327 मीटर हमारे पास OSD आ गई, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब जब आपको ओवरटेकिंग जोन की लेंथ निकालनी है तो 3 टू 3 टाइम्स टू OSD से कितना हो सकता है, 5 टाइम्स टू OSD, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 981 से 1635 मीटर लेंथ होगी ओवरटेकिंग जोन की, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए OSD के ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, इस बार आ सकता है, सो डू नॉट स्किप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वैली कर्व की डिजाइन इस सिमिलर वे में, वैली कर्व के डिजाइन के ऊपर भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है, इसलिए हमको छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना है। इसके दो पार्ट है इस क्वेश्चन के भी। पहला पार्ट है व्हाट डिजाइन कंसीडरेशंस आर बीइंग टेकन इन डिजाइन ऑफ वैली कर्व। दो तरीके के वर्टिकल कर्व होते हैं, एक कर्व होता है समिट कर्व, ठीक है, एक होता है वैली कर्व। जैसे ये इस तरीके का कर्व बनाए, दो कर्व, दिस इज व्हाट इट इज समिट कर्व एंड दिस इज व्हाट इट इज वैली कर्व, ठीक है। तो वैली कर्व के लिए क्या डिजाइन कंसिडरेशन होने चाहिए या लेते हैं, वो पहला क्वेश्चन पूछा है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं। डिजाइन कंसिडरेशन है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू साइड डिस्टेंस एट वैली कर्व ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि एक व्हीकल यहाँ से उतर रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइड डिस्टेंस का, ठीक है ना, डे टाइम के अंदर। बट विजिबिलिटी इज रिड्यूस ड्यूरिंग नाइट, रात में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फोकस होगा लाइट का, सो विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, हेंस वैली कर्व डिजाइन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, HSD बोलते हैं इसको। सो एक मेन कंस्टेंट है जब भी हम डिजाइन करेंगे वैली कर्व, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस का कंस्टेंट लेकर डिजाइन करना है। दूसरा क्या है कि इन वैली कर्व द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विल एक्टिंग डाउनवर्ड अलॉन्ग विद द वेट ऑफ द व्हीकल एंड हेंस इंपैक्ट टू द व्हीकल विल बी मोर, दिस विल रिजल्ट इन जर्किंग ऑफ व्हीकल एंड कॉज डिसकम्फर्ट टू द पैसेंजर, क्योंकि आप एकदम से ऊपर से नीचे आ रहे स्लोप से तो जर्क लगने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए हम वैली कर्व को कम्फर्ट कंडीशन के केस के लिए भी डिजाइन करते हैं। तो ये दो कंडीशन है, एक तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए डिजाइन करते हैं, दूसरा कम्फर्ट कंडीशन के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि डिजाइन ही करो वैली कर्व, न्यूमेरिकल है। डिजाइन ए वैली कर्व एट द जंक्शन ऑफ डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1:25, ये 1:25 का ग्रेडियंट दे दिया, ठीक है ना, एंड ए लेवल स्ट्रेच, मतलब नीचे आ रहा है और उसके बाद फिर इस तरह से रोड है, तो ये तो 1:25 का दे दिया हमें, ये 0 हो जाएगा क्योंकि लेवल स्ट्रेच कह रहा है, तो N1 इक्वल टू आपके पास 1:25 हो गया, ठीक है, 1/25, और N2 इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। फ्रॉम हेडलाइट कंसिडरेशन, ये हमको ये कंसिडरेशन लगाना है, यानी कंफर्ट कंडीशन के लिए इसने डिजाइन नहीं करवाई है, सिर्फ HSD के लिए डिजाइन करवा रहा है।
और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको यहाँ पे 160 मीटर की क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके नाउ देखिए, जैसे मैंने किया एन वन, सिंस की डाउन ग्रेडियंट यहाँ पे माइनस कर लिया, एन वन इक्वल टू माइनस वन बाई 25, एन टू जीरो, तो डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा। डेविएशन एंगल कैसे होता है, जैसे ये है एक लाइन, ये है एक लाइन, ये जा रही है, ठीक है ना, ये इसके टेंजेंट है, दैट एंगल इज व्हाट इट इज डेविएशन एंगल। ये एन वन है, ये एन टू है, द डेविएशन इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। ओके सो यहाँ पे या एन टू माइनस एन वन वॉट एवर, यहाँ पे हमने सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निकाला इट इज प्लस वन बाई 25, SSD 160 मीटर दे रखा है। लेट अज्यूम जो हमारी लेंथ आने वाली है वैली कर्व की, वो SSD से ज्यादा है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उस केस के अंदर, ns स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 1.5 प्लस 0.0035s। अगर ये l लेस देन होता है SSD से तो हमारा l का फॉर्मूला होता 2s माइनस 1.5 प्लस 0.0035s अपॉन n, ठीक है। सो हम यहाँ अज्यूम करके चलते हैं, पहला केस ज्यादा है, अगर ज्यादा वाला फिट नहीं होगा तो फिर हम ये दूसरा केस अज्यूम करेंगे कि जो लेंथ ऑफ वैली कर्व है वो लेस देन टू एसएसडी है। वैल्यू रखी एन की 1 बाई 25, एस 160 दे रखा है, 497 मीटर आया है। तो हमारे पास एल ज्यादा आ गया एसएसडी से, इसका मतलब जो हमने अज्यूम्पशन किया था या जो हाइपोथेसिस थी हमारी वो ट्रू है, तो इसका मतलब वैली कर्व की लेंथ कितनी होगी 497 मीटर। तो ये डिजाइन है वैली कर्व की। सो हमने SSD की डिजाइन पढ़ ली, वैली कर्व की डिजाइन पढ़ ली, ठीक है ना। अब हमारे पास एक तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है इस पूरे टॉपिक के अंदर से, वो है हॉरिजॉन्टल कर्व या ट्रांजिशन कर्व की डिजाइन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसी के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले तो इसमें जैसा कि हम प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में देखा था कि पहले तो एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, देन फिर न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये है डायग्राम दिखाई, दैट कर्व इज व्हाट इट इज ट्रांजिशन कर्व। ये एक कंपाउंड सर्कुलर कर्व है, ये एक स्ट्रेट कर्व है, देन उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो ट्रांजिशन स्मूथ कर्व है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है टू सो दैट ट्रांजिशन कर्व क्यों करते हैं हम, कि अगर कोई स्ट्रेट से सीधा ही सर्कुलर कर्व पे मूव करेगा तो उसको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, व्हीकल की टॉपलिंग हो सकती है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको खींचेगा, बहुत सारे पॉइंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, अवॉइडिंग सडन जर्क, है ना, जो मैंने बोला ऑन द व्हीकल, दिस इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। पहला पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव यह है, ये हमारा एम है पहला। दूसरा हमारा एम है टू एनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ऑन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, धीरे धीरे वो स्टीयरिंग को टर्न कर सकता है, ठीक है। तीसरा टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, अगर हमको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराना है इस तरह के हॉरिजॉन्टल कर्व पे, तो हम यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 कराते हुए सर्कुलर कर्व पे मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर ले आएंगे। लेकिन अगर ट्रांजिशन कर्व ही नहीं होगा तो हमको, मतलब अगर सपोज 5% का कराना है तो 5% का इसी पॉइंट से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, यहां से हम 0.1, 0.2, 0.3 करते करते यहाँ पे 5% लाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन है, क्योंकि सुपर एलिवेशन एकदम से भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो अभी व्हीकल को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, इंजन के ऊपर बहुत लोड आएगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइंडिंग, ऑब्वियस सी बात है। एंड लास्ट है टू एनहेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो इस ट्रांजिशन कर्व के ऑब्जेक्टिव है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो डिजाइन क्वेश्चन है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, उसमें बोल रहा है हाईवे है जो फोर लेन डिवाइडेड है, डिवाइडेड मतलब डिवाइडर बना हुआ है, तो फोर लेन है यानी एन इक्वल टू फोर दे दिया। पासिंग थ्रू ए फ्लैट टेरेन हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इक्वल टू रूलिंग मिनिमम रेडियस, इफ द डिजाइन स्पीड इज 75 ये वी दे दिया KMPS, देन डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके अज्यूम सुटेबल डेटा एज पर IRC रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करनी है, उसके तीन हमारे पास पैरामीटर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक IRC की तरफ से तीन फॉर्मूले दिए हुए, उन तीनों से हमारे पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के अंदर हम उसमें से फाइनल वैल्यू ऑप्ट करते हैं एज ए डिजाइन लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, V75 KMPS, मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ लेंथ 4, सुपर एलिवेशन हम एज्यूम करेंगे 0.07, फ्रिक्शन 0.15 एंड जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील, ठीक है ना, एल, ये हमारे पास काम आएगा जब हम निकालेंगे एक्स्ट्रा वाइंडिंग,
6.1 मीटर अज्यूम करेंगे। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तीन एबीसी तीन फॉर्मूले उनसे दी जाती है। पहला फॉर्मूला है एच पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन, इसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है वी क्यू अपॉन सी आर। यहाँ पे जो स्मॉल वी है इट इज इन मीटर पर सेकेंड और आर इज इन मीटर। सी की वैल्यू क्या होती है, सी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब में। इसके लिए फॉर्मूला 80 अपॉन 75 प्लस वी, यहाँ पे वी जो है के एम पी एच में, और के एम पी एच ये वाला जो कैपिटल वी, मैं इसलिए आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कैपिटल वी हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे पूरे ट्रांसपोर्टेशन में, स्मॉल वी मीटर पर सेकेंड में। तो वैल्यू रखिए हमारे 0.53 आ गई, और कोड क्या बोलता है कि सी की वैल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में होनी चाहिए, इट इज ओके। तो ये वैल्यू आ गई, वी को कन्वर्ट, ठीक है ना, आर, हाँ आर निकालना, आर इक्वल टू वी, हमको पता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, ई और एफ हमने ऊपर लिखे हुए हैं, सारी वैल्यू रखी, आर 202 मीटर आ गया। इन सारी वैल्यूज को यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे, रखने के बाद हमारे पास फाइनल आ गया ये मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था के एम पी एच को कन्वर्ट करने के लिए 75 जो भी वैल्यू है के एम पी एच में उसको 3.6 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाती है। ये वैल्यू रखी, सी रखा, आर रखा, तो करीब 84.5 या 84.45 मीटर हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ गई, ठीक है। नाउ आईआरसी रिकमेंडेशन क्या है, आईआरसी की दो तरह की रिकमेंडेशन है, अगर फ्लैट टेरेन है या फिर आपका बेसिकली हिली टेरेन है, हिली या रोलिंग टेरेन, ठीक है। तो फ्लैट के लिए उन्होंने फॉर्मूला देखा 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे जो वी है वो बेसिकली क्या है, वी इज इन किलोमीटर पर आर, ठीक है ना, आर तो हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस है, सारी वैल्यूज रखी हमने, यहाँ पे 75.18 मीटर आ गया। तो दो लेंथ आ गई हमारे पास दो एस्पेक्ट से, एक आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन की वजह से वो 84.5 मीटर आया, दूसरा आईआरसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आ गया वो 75 मीटर आया। नाउ तीसरा एस्पेक्ट है एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा कि सुपर एलिवेशन को हमको जो अटेन करना है वो विद रेस्पेक्ट टू इनर एज करना है या सेंटर करना है, तो इसलिए हम दोनों फॉर्मूले लेके चल रहे हैं। तो एल इक्वल टू ई एन बाई टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये तो अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि हाफ हो जाएगा मैंने बताया था आपको, और इनर एज के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फुल आएगा सुपर एलिवेशन, तो ई इंटू एन दिस हो गया। डब्ल्यू जो है आपको विड्थ है, चार लेन रोड है, एक एक की 3.75 मीटर है तो डब्ल्यू 15 मीटर हो जाएगी। डब्ल्यू ई जो है एक्स्ट्रा विड्थ है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वाइंडिंग बोलते हैं उसके लिए फॉर्मूला है एन एल स्क्वायर बाई टू आर, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होता है वी अपॉन 9.5 रूट आर। तो वी तो 75 रखा है, आर 202 है, एन या एल जो मैंने बताया था 6.1 मीटर अज्यूम किया था हमने, है ना, फ्रंट और रियर व्हील के बीच की डिस्टेंस, तो ये हमने रख दी सारी वैल्यू। यहाँ से हमारे पास आए 0.923 मीटर, लेकिन अगर आर की वैल्यू जो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व 300 मीटर से कम है तो उस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग है वो मैक्सिमम 0.6 मीटर ही हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइंडिंग की वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे, 0.6 मीटर ऑनली, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, आपको निकालनी तो निकाल के अगर मान लो ये 0.6 से कम आता तो हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते, बट अब ये 0.6 से ज्यादा है तो जो कोडल प्रोविजन है हम उसी को लेके चलेंगे। नाउ अच्छा एक और चीज, फ्लैट टेरेन के लिए 1:n जो होता है 1:1/50 होता है, ये भी आईआरसी रिकमेंडेशन है। तो यहां से n की वैल्यू 150 आ गई, दोनों फॉर्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, e कर दिया 150 कर दिया, w कर दिया 0.6 कर दिया, यहां से दो आंसर आए हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन जैसा कि मैंने लिखा, सिंस इन क्वेश्चन देयर इज नो डेटा गिवन अबाउट सुपर एलिवेशन अटेनमेंट, तो हम यहाँ पे जो मैक्सिमम है उसको लेके चलेंगे 163.8 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यू आ गई एल की, एक तो आई थी 84.45 मीटर, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू आई थी हमारी समथिंग 40 के आसपास आई थी, तीसरी वैल्यू आई 163.8 मीटर। इन तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 163.8, तो दिस वुड बी अवर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट। तो इस तरह से डिजाइन क्वेश्चन बनेगा आपका हाईवे के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कर्व में सुपर ट्रांजिशन कर्व की डिजाइन है वो, ठीक है। देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर या इस डिजाइन क्वेश्चन के अंदर मैंने एक चीज और आपको बता दी है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग, तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग के फॉर्मूले भी आप याद कर लीजिएगा इसी न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पे एल क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील, ठीक है ना, और एन नंबर ऑफ लेन है, आर आपको पता है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है, वी स्पीड है डिजाइन स्पीड।
सो इस तरह ये जो हमने यहाँ आज अभी पूरे जितना इस टॉपिक वन में क्वेश्चन कवर किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में, इससे बाहर आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ये सारा चीजें बट लेकिन करके जाना है, ये कंडीशन है, ठीक है ना। सो टॉपिक वन के जो है ये एपिसोड 27 में, इसके साथ में इसका पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार समझने के बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नाउ जो एपिसोड 28 है जो मैं कल आपको बताऊंगा, उसमें हम टॉपिक टू में जो मेजर टॉपिक है वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड हाईवे मटेरियल्स, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल मैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। सो अभी इसको ओवर करते हैं इस एपिसोड को, एपिसोड 27 को। नाउ वी विल मीट ऑन एपिसोड 28।